So good morning from one of my favorite parts in Pune, especially when I want to do photography, especially when I want to click people and connect with the city itself. So aaj hum Mandai mein hai. So Mandai basically Shukrawarpet mein located hai and this is an old market. Pehle kya hota tha ki shanivar wada ke bahar vegetable aur fruit market lagti thi. But then in the late 19th century British ne decide kiya ek nayi building banayenge. So this was built in a sort of a gothic style, a mix of gothic and vernacular style. And since then, Mandai has been the biggest vegetable retail market of the city. So, अभी भी ये काफी बहुत popular जगह है. I come here for the experience of it, frankly. But today, थोड़ी shopping भी की जाएगी, थोड़े fruits और थोड़ी vegetables. मेरी mate खुश हो जाएगी घर पे. As has become the default now in Pune. आज भी मेरे साथ अमित है. In fact, ये अमित का ही idea था कि यहाँ आया जाए और सुबह shoot किया जाए. And I think it's an awesome time. आज Sunday है, तो It doesn't mean कि ज़्यादा crowded है, कम crowded है. Frankly, it looks like every other day. जैसे मैंने बताया था, मंडई बनाने का काम 1888 में शुरू हुआ था. अरे भाई 1888 में दोस्तों. और उसके चार साल बाद मंडई तैयार हो गई. उस समय मुंबई के गवर्नर का नाम था लॉर्ड रे और उन्हीं के नाम पे इस मंडई का नाम भी रखा गया. यही काल महाराष्ट्र के एक महान समाज सेवक सोशल रिफॉर्मर महात्मा फुले का भी था. आज ये मार्केट महात्मा फुले मंडई के नाम से जानी जाती है. अगर आप इसको बाहर से देखें तो इस मार्केट के चार विंग्स हैं और आप मार्केट में किसी भी विंग से अंदर आ सकते हैं. सभी विंग्स में शॉप्स भी हैं और बीच के हिस्से में एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता है. यहाँ पर आप चाय नाश्ता भी कर सकते हैं. And that's exactly what we did. It's actually raining outside, so quite nice to be in here. And I think in a way that makes markets like these so much more useful during the monsoons. Bahar bhi actually market lagti hai, and maybe that's even more popular for people to come and quickly buy. But when it's raining, yeah, the shade helps. मैं मार्केट में आऊँ और लोगों से गुफ्तगू ना करूँ, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता. फ्रेंकली दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट अ न्यू प्लेस, टॉक टू द लोकल्स. चलिए आपकी भी मुलाकात कराता हूँ मेरे कुछ नए दोस्तों से. मेरा नाम अनुज है, अनुज काले. मैं अभी छः सात साल हो गए. मैं फैमिली बिजनेस है ये. पहले पापा है, उससे पहले तो दादाजी थे, फिर अभी हम आ गए. सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7-7:30 तक रहता है. 6 साल पहले कस्टमर बहुत आते थे, अभी सब ऑनलाइन हो गया है तो ज़्यादा कुछ रहा नहीं. मतलब जो रेगुलर कस्टमर है वही आते हैं, फूड बास्केट वगैरह, तो उसके वजह से बहुत मतलब फ़र्क पड़ा है. मेरा नाम विश्वनाथ नारायण बेलोसी. मैं 40 साल से हूँ. हम जब आए मंडी में, जब 6 रुपये किलो सेब, 5 रुपये डजन मौसम्बी, संतरा 5 रुपये डजन, 3 रुपये महाराजा, ऐसे किलो पे बेचते थे. बहुत फर्क है, बाजार में फर्क है, ग्राहक में फर्क है, बहुत कुछ फर्क है. पहला यही मंडी रहता था, आजू बाजू में कुछ भी नहीं था, उसका जैसे बहुत ग्राहक था. अभी सब जगह खुल गए. इंटरव्यूज के बाद हम बाहर आ गए. यहाँ चाट वगैरह खाने के स्टॉल्स भी हैं, बट यू नो व्हाट, वी हैड अदर प्लान्स. मंडई के पास ही तुलसी बाग भी है. अब यहाँ तुलसी तो नहीं बची, पर पुणे का दूसरा खजाना जरूर छुपा हुआ है. मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर की. ये मंदिर 1761 में पूरा बन गया, पर जो इसका 150 मीटर ऊंचा शिखर है उसका निर्माण 19वीं शताब्दी में ही किया गया. यहाँ की दीवारों पर रामायण की कुछ कहानियों को भी पेंट किया गया है. एंड इट्स डन रियली रियली वेल. आज इस मंदिर के आसपास कई सारी पूजा सामग्री की दुकानें भी हैं. इनफैक्ट आई थिंक ये मंदिर एकदम मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप पुणे में आते हैं. और फिर हम निकल गए अपने आज के आखिरी पड़ाव की ओर.
जब मैं मुंबई में था तो हर मॉर्निंग का अंत कॉफी से होता था। इन पुणे इट्स चाय एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। बस फिर क्या था, हमने चाय पी और घर की ओर निकल पड़े। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।